आरक्षण पर जब आंच आई तो आरक्षण किसने बचाया? बोलो, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो। और आगे आएगी तो कौन बचाएगा? मुरारी लाल। जब आरक्षण पर आंच आई थी, बसपा का एमएलए था, उस समय छोड़ के चला गया था, मेरा साथ नहीं दिया। मेरा साथ उस समय कन्हैया लाल ने दिया था, इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे कहने पर कन्हैया लाल को वोट दोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तो आरक्षण को खतरा हो सकता है, कैसे किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो एससी के आरक्षण को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सभी आरक्षण के राष्ट्रों में वादा करना चाहता हूं, अब की बार 400 पार होने के बाद आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाएंगे, जो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी दुनिया की ताकत उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। समझ गए ना? तुम ये मत प्रचार करते ना कि भाई गुजरों को आरक्षण करवा रहा है, कांग्रेस यही कर रहे, गुजरों को मिल गया 5% आरक्षण। पर आप ये बताओ, इस देश को ताकतवर किसने बनाया? मोदी ने, ताकतवर मोदी ने बनाया। और आप, मैं मीणों से पूछना चाहता हूं, विशेषकर राजेश पायलट बहुत बड़ा नेता हुए, पंडित नवल किशोर बहुत बड़ा नेता हुए, सचिन पायलट भी बहुत बड़ा नेता है। मैं उनकी कोई यहां काज करने के लिए नहीं आया, लेकिन एक डॉक्टर किरोड़ी रानी है जो जंगल में नांगल बजाओ तान में ले जाके मोदी को खड़ा कर सकता है। 2018 में आया था, और एक डॉक्टर किरोड़ी रानी है जो मोदी जी को दौसा शहर में घर घर जाकर वोट की कहने कहलवा सकता है। देखिए ना, तुम्हारी मित्रता देख लो ना। मेरा मित्र मेरे को कह के गया है, जो भ्रम एससी में फैलाया जा रहा है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है।